नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा द्वारा पैसे बांटने और शराब बांटने का आरोप लगाया है। रुपए बांटे जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री और ऊंचाहार विधायक अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी और उनका साथ दे रही सदर विधायिका अदिति सिंह सोनिया नगर और अन्य तमाम क्षेत्र में जाकर पैसे और शराब बांटकर मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं। पैसे बांटने और शराब बांटने की सूचना पहुंचते ही समाजवादी पार्टी ऊंचाहार विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे अपने समर्थकों के साथ मनिका टॉकीज के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार जिस तरह धनबल और बाहुबल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है वो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका 5 साल कभी जनता को पलट के तो नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी चेयरमैन बना करके बैठी रही। जे भी आज जिस तरीके से सोनिया नगर में गरीबों के बीच में पैसा बांटकर समाजवादी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं, पैसे बांट करके समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं, मैं समझता हूँ कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, तार तार करना चाहती हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो पैसा बांटने के लिए क्यों आना पड़ा उन्हें? 5 साल जिन्होंने कभी शहर को देखा नहीं है, आज सरिया में कौन सी वो गाड़ी थी पुलिस की स्कॉर्ट की जो इनके साथ साथ चल रही थी? ये कैसे पैसा बट रहा था? कलम ने शिकायत किया, खोर में यही हो रहा था और पूरे शहर में मैंने ये आशंका व्यक्त किया था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी ये मेल के द्वारा अवगत कराया था। मोदीपुर में यही हुआ, चार त्रिवेदी नगर में प्लानिंग है। लगातार जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज जब देख रही है कि समाजवादी पार्टी जो हार रही है तो पैसा बांटने के नाम पर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, तो मजबूरी में हमको इनके शुक्लार की दुकान के सामने हमको धरने पर बैठना पड़ा। कहीं पे एसडीएम है, पुलिस की फोर्स है, आपने उससे शिकायत की क्या? उनको शिकायत किया, फोन किया, कल भी फोन किया, आज आपके द्वारा हमने प्रेस वार्ता करके बताया, मेल करके सबको बताया, सबको पत्र दिया और लगातार ये आशंका हम 2 दिन से व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार पैसा बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही है। और हद तो तब हो गई जब यहाँ लड़कों ने सोनिया नगर में मोबाइल पे पैसा बना देते हुए वीडियो बना लिया, तो जबरन उसका मोबाइल छीन करके ले लिया इन्होंने और गाड़ी में उसको बैठा करके ले गई। कहाँ ले गई ये भगवान जाने उसको। आज ये हो रहा है यहाँ पर सोनिया नगर के में। ये पहले इनसे पूछ लीजिए, ये है कि निवासी, बताइए क्या हुआ है यहाँ पे, बताइए इनसे पूछिए। निवासी विधायिका आई आदित्य सिंह और इनके साथ करीब 40-50 लड़के आए और पर्चा और नोट 1,000 रुपया हर घर में दे रही थी, तो मना किया गया कि आप ये मत करिए, अपना पर्चा बांटिए। तो उन लड़कों ने गाली गलौज करके, जो लड़का हमारे साथ का वीडियो बना रहा था उसका मोबाइल भी छीन लिया और कहा भाग जाइए, जो करना है करिए जाके। तो हमने माननीय विधायक जी को सूचना दी। ये सरहंगी आज करीब 2 बजे से चल रही है लगातार और दारू भी बट रही है बराबर। क्या नाम है क्या नाम है आपका? हमारा नाम एडवोकेट शालिकराम सक्सेना। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांधीनगर में मैं रहता हूँ। कुछ लोग धरने पे बैठे, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, खासकर आपके समर्थन करा रहे हैं। अभी अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी इनकी दरख्वास्त पे, और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कुछ भी नहीं पाया गया। जो हार रहा होता है वो बौखला जाता है, ऐसे ही टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं। मेरा उनको यही उपदेश है कि वो जाके जनता के बीच में मेहनत करें, क्योंकि परसों चुनाव हैं और हमारी निष्पक्ष सरकार है, उनकी शिकायत पे हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो सकती है, या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो प्रशासन को दर्ज कराएं और पूरा कोऑपरेशन उन्हें हमारी सरकार से मिलेगा। थैंक यू।